हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ वो सच्ची घटना पर आधारित है। इसका टाइटल है हाचिको द लॉयल डॉग। सो हाचिको जो है डॉग का नाम है और लॉयल मतलब वफादार, फेथफुल। सो हाचिको जो कि एक वफादार डॉग था, इसके ऊपर एक हार्ट टचिंग स्टोरी मीन्स दिल को छू जाने वाली स्टोरी है ये और सच्ची घटना पर आधारित है। सो आइए शुरू करते हैं। इन 1920s जापान, सो जापान की बात करी गई है इस देश की और इस टाइम के दौरान 1920s मतलब 1920 से लेकर और साल 29 तक, ये सारे के सारे वर्ष बोले जाएंगे 20s में। जापान जब 1920s में, देयर लिव्ड अ डॉग नेम्ड हाचिको। सो एक हाचिको नाम का कुत्ता रहता था। अ लॉयल अकीता ब्रीड, लॉयल मीन्स वफादार और जो इसकी नस्ल है ब्रीड मीन्स नस्ल, अलग अलग टाइप की ब्रीड्स होती है। सो ये है कौन सी वाली, अकीता। और यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो, ये तो हाचिका की फोटो है, अदरवाइज जो ब्रीड है वो भी इसी ब्रीड के होते हैं ये वाले डॉग्स। हिज ओनर प्रोफेसर उएनो, तो उसका जो मालिक था प्रोफेसर उएनो वॉज अ प्रोफेसर ऑफ एग्रीकल्चर, वो कृषि के प्रोफेसर थे एट अ यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो। सो जापान की राजधानी है टोक्यो, कैपिटल है टोक्यो, वहां पे वो यूनिवर्सिटी में, वहां की यूनिवर्सिटी में थे वो कृषि के प्रोफेसर। एंड लव्ड हाचिको डियरली, और वो बहुत प्यार करते थे हाचिको को। एवरी डे हाचिको वुड एकम्पनी प्रोफेसर उएनो टू द शिबुया ट्रेन स्टेशन इन टोक्यो। एवरी डे हर एक दिन हाचिको साथ जाया करता था, एकम्पनी मतलब किसी के साथ जाना, कंपनी देना उसको, तो साथ जाया करता था प्रोफेसर उएनो के साथ। कहाँ जाते थे ये लोग, टू द शिबुया ट्रेन स्टेशन इन टोक्यो। टोक्यो में जो रेलवे स्टेशन है शिबुया नाम का, वहां पे ये लोग जाया करते थे इकट्ठे। ही वुड देन रिटर्न टू द स्टेशन इन द इवनिंग। यहाँ पे प्रोनाउन डॉग के लिए यूज किया गया है कि ही वुड देन रिटर्न, फिर वो वापस आता था टू द स्टेशन इसी रेलवे स्टेशन में इन द इवनिंग शाम के वक्त। वेटिंग पेशेंटली, वेटिंग इंतजार करना, पेशेंटली होता है धैर्य के साथ। सो धैर्य के साथ वो इंतजार करता था फॉर हिज ओनर, अपने मालिक के लिए, टू कम बैक फ्रॉम वर्क, कि वो काम से वापस आए। सो सुबह के टाइम छोड़ने जाता था और शाम के टाइम उसका इंतजार करता था स्टेशन में बैठकर कि वो उसका मालिक कब वापस आएगा काम से। दिस रूटीन कंटिन्यूड फॉर इयर्स, रूटीन का मतलब होता है नियमित आदत, हर रोज जो ये चलता रहता है कि सुबह छोड़ने जाना शाम को लेने के लिए आना। दिस रूटीन, ये वाला जो रूटीन था, नियमित आदत थी, कंटिन्यूड वो जारी रही फॉर इयर्स, वर्षों तक, बहुत सालों तक। एंड द बॉन्ड बिटवीन देम ग्रू स्ट्रॉन्गर, और जो रिश्ता था या बंधन भी बोल सकते हैं बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में, वो बन गया, ग्रो का पास्ट टेंस हो गया ग्रू, वो बन गया और भी मजबूत। स्ट्रॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री है ये, एडजेक्टिव है स्ट्रॉन्ग, उसकी कंपैरेटिव डिग्री हो गया स्ट्रॉन्गर, जितना मजबूत रिश्ता होगा उससे भी और गहरा उनका रिश्ता हो गया दोनों के बीच में, डॉग और ओनर के बीच में। ऑन मे 21, 1925, तो इस दिन की बात करी गई है मई 21, 1925 की। समथिंग ट्रेजिक हैपन, कुछ बहुत ही दुखद चीज घटित हुई, या बोल सकते हैं बहुत ही दुख पहुंचाने वाली चीज हुई। ये क्या था, प्रोफेसर उएनो डिड नॉट रिटर्न होम। सो जो प्रोफेसर थे उएनो नाम के, वो घर वापस नहीं आए। ही हैड सडनली पास्ड अवे, तो अचानक से उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका स्वर्गवास हो गया था। पास्ट अवे जो फ्रेज है उसका मतलब होता है स्वर्गवास हो जाना। सो अचानक से वो गुजर गए थे फ्रॉम अ सेरेब्रल हेमरेज, इसका मतलब होता है, वैसे इसको कहते हैं मस्तिष्क में रक्त स्राव, और ऐसे भी बोल सकते हो इमरजेंसी कंडीशन इन विच अ रप्चर्ड ब्लड वेसल causes bleeding inside the brain। तो उनके ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो गई, मस्तिष्क में रक्त स्राव हो गया वाइल एट वर्क, जब वो काम पर ही थे। सो काम के दौरान ही क्या हुआ, उनका ब्रेन हेमरेज हो गया। डिस्पाइट दिस, सो इसके बावजूद भी, डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद भी, हाचिको kept coming to the station to wait for him।
सो इसके बावजूद भी हाचिको केप्ट कमिंग, मीन्स आता रहा टू द स्टेशन, इस रेलवे स्टेशन में, टू वेट, इंतजार करने के लिए, फॉर हिम, उनके लिए, अपने मालिक के लिए. अनअवेयर दैट, अनअवेयर मीन्स इससे अनजान. सो इस चीज से अनजान था, उसको पता नहीं था दैट की बिलवेड ओनर, बिलवेड का मतलब होता है सबसे प्रिय, सबसे प्यारा, और ओनर मालिक, वुड नेवर कम बैक, कि वो अब कभी भी वापस नहीं आएंगे. सो इस चीज से वो बिल्कुल अनजान था. रेन और शाइन, सो ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है चाहे बारिश हो चाहे धूप निकले, रेन और शाइन, ठीक है, चाहे बारिश या धूप. हाचिको सैट पेशेंटली, हाचिको वहां बैठा रहता, सिट का पास्ट टेंस हो गया सैट, और पेशेंटली मीन्स धैर्य के साथ, धैर्य पूर्वक, वेटिंग एंड होपिंग टू सी हिज मास्टर अगेन. सो पेशेंटली, धैर्यपूर्वक बैठा रहता, इंतजार करते हुए, और ये आशा करते हुए, होपिंग, आशा करते हुए, टू सी, देखने की, हिज मास्टर अगेन, अपने मालिक को दोबारा से देखने की आशा करते हुए, वो धैर्यपूर्वक वहां पे रेलवे स्टेशन पे बैठा रहता. फॉर द नेक्स्ट 9 ईयर्स, अब अगले 9 सालों तक, फॉर द नेक्स्ट 9 ईयर्स, अगले 9 सालों तक हाचिको केम टू द शिबुया स्टेशन एवरी डे. हाचिको आया, कम का पास्ट टेंस है, केम, आया इस स्टेशन में, शिबुया स्टेशन, एवरी डे, हर रोज. अराउंड द टाइम द प्रोफेसर्स ट्रेन यूज्ड टू अराइव. सो अराउंड द टाइम मींस उसी समय के दौरान, जिस टाइम प्रोफेसर्स ट्रेन, जो प्रोफेसर जो ट्रेन पकड़ के वापस आते थे, यूज्ड टू अराइव मींस वापस ट्रेन स्टेशन में आया करती थी, अराइव, आया करती थी, पहुंचा करती थी. ही बिकेम अ सिंबल ऑफ लॉयल्टी, वो बन गया, बिकेम, बना, ये भी सेकेंड फॉर्म है बिकम का, बिकेम, वो बन गया एक सिंबल, मीन्स प्रतीक, एक चिन्ह बन गया, एक प्रतीक बन गया, किस चीज का, लॉयल्टी, वफादारी का, एंड डिवोशन मीन्स समर्पण का. सो वफादारी और समर्पण का वो एक चिन्ह बन गया, एक सिंबल बन गया, एक निशानी बन गया, इंस्पायरिंग मैनी, और कई लोगों को उसने प्रेरणा भी दी. सो इसमें आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वो वफादारी का और समर्पण का एक प्रतीक बन गया, जिससे कि कई लोगों को प्रेरणा भी मिली. द स्टेशन स्टाफ एंड लोकल कम्यूटर्स, कम्यूटर्स, सो रेलवे स्टेशन में काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स, जो कर्मचारी थे, लोकल मीन्स स्थानीय, और कम्यूटर्स का मतलब है यात्री. सो लोकल स्थानीय यात्री जो थे, बिगैन, बिगिन का पास्ट टेंस है, उन्होंने शुरू कर दिया फीडिंग, खाना खिलाना, एंड केयरिंग, देखभाल करना, फॉर हिम, उसकी, एज, क्योंकि, दे वर डीपली टच्ड बाय हिज स्टोरी, क्योंकि वो लोग गहराई से प्रभावित हुए थे उसकी कहानी सुनकर, या आप कह सकते हो कि क्योंकि वो लोग सबके सब बहुत प्रभावित हुए थे उसकी कहानी से. हिज अनवेवरिंग लॉयल्टी, उसकी अटल वफादारी, अनवेवरिंग मीन्स जिसको कि अपनी जगह से हिलाया नहीं जा सकता, अटल, अडिक, तो उसकी जो ये अटल और लॉयल्टी होता है, वफादारी, अर्न हिम नेशन वाइड अटेंशन. यहाँ पे अर्न हिम मतलब उनको दिया नेशन वाइड अटेंशन, यह है कि पूरा राष्ट्रीय या देश भर का ध्यान उनकी तरफ उसने आकर्षित किया, किस चीज ने, अनवेवरिंग लॉयल्टी ने, उनकी अटूट निष्ठा ने देश भर का ध्यान आकर्षित किया उनकी तरफ. एंड इन 1932, और इस वर्ष में 1932 में, अ न्यूज़पेपर पब्लिश्ड एन आर्टिकल अबाउट हाचिको. सो एक अखबार में प्रकाशित हुआ एक आर्टिकल, एक लेख हाचिको के बारे में, टर्निंग हिम इनटू अ नेशनल सेंसेशन, जिसने कि उन्हें एक राष्ट्रीय सनसनी बना दिया. सेंसेशन मतलब सनसनी, जैसे कि न्यूज अचानक से फैल जाती है, सो पूरा फेमस बना दिया, नेशनल सेंसेशन मतलब पूरी तरीके से प्रसिद्ध कर दिया इस आर्टिकल ने, जो कि हाचिको के बारे में एक अखबार में छपा था. इवेंचुअली, सो अंत में, हाचिको पास्ड अवे ऑन मार्च 8. सो पास्ड अवे, इस फ्रेज का मतलब है कि वो गुजर गया, जो डॉग था हाचिको पास्ड अवे, उनका देहांत हो गया ऑन मार्च 8, 1935, नियर द स्टेशन, उसी रेलवे स्टेशन के पास, वेयर ही हैड वेटेड फेथफुली, जहां उन्होंने इंतजार किया था फेथफुली, वफादारी के साथ, फॉर नियरली अ डेकेड. डेकेड होता है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल
ठीक है, 10 ईयर्स उसके पीरियड को बोलते हैं हम डेकेड। सो उसी रेलवे स्टेशन के पास उनका निधन हो गया, जहां पे उन्होंने पूरी वफादारी ईमानदारी के साथ लगभग एक दशक तक वहां पर इंतजार किया था। ठीक है, दशक बोलते हैं हिंदी में डेकेड। हिज डेथ वॉज मोर्न्ड। सो उनकी जो मृत्यु थी वो उसके लिए दुख मनाया गया, शोक मनाया गया। सो मोर्न्ड का मतलब दुख या शोक मनाना, विशेषतः किसी की मृत्यु पर। सो मोर्निंग आपने सुना होगा, मोर्निंग से मोर्न बना हुआ है कि उसके मृत्यु पर दुख मनाया गया थ्रू आउट जापान, पूरे जापान में। टू ऑनर हिज मेमोरी, सो उसी की याद को सम्मान देने के लिए, ऑनर मतलब सम्मान देना, मेमोरी होता है याद। अ ब्रॉन्ज स्टैचू वॉज इरेक्टेड, ब्रॉन्ज मीन्स पीतल और स्टैचू होता है मूर्ति। सो एक पीतल की मूर्ति को वॉज इरेक्टेड मतलब स्थापित किया गया, वॉज इरेक्टेड तो मूर्ति को स्थापित किया गया, इरेक्टेड यहाँ पे स्थापित किया गया, एट शिबुया स्टेशन इन 1934। सो इस साल 1934 में इस मूर्ति को वहां पे, डॉग की मूर्ति को स्थापित किया गया। हाचिको वॉज इवन प्रेजेंट फॉर द स्टैचूज अनवीलिंग सेरेमनी। सो यहाँ तक कि हाचिको उपस्थित थे, प्रेजेंट मतलब थे उस दिन, प्रेजेंट थे जब मूर्ति का, स्टैचूज यहाँ अपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है, पोजेशन बता रहा है कि इस मूर्ति का क्या हुआ था, अनवीलिंग सेरेमनी। अनवीलिंग होता है कि जब किसी चीज से हम पर्दा उठाते हैं, सो और सेरेमनी होता है समारोह। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब अनावरण समारोह हुआ था उस प्रतिमा का, उस मूर्ति का, उस दिन हाचिको भी वहीं पे मौजूद थे। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि 1934 में ये मूर्ति स्थापित की गई और हाचिको की मृत्यु हुई थी 1935 में। तो जब मूर्ति को स्थापित किया गया उस दिन और उसकी अनावरण समारोह था, तो उस दिन हाचिको भी वहां पे मौजूद थे। द स्टैचू स्टिल स्टैंड्स टुडे एज अ सिंबल ऑफ लॉयल्टी। अब ये जो प्रतिमा है, मूर्ति है, वो अभी भी वहां पे खड़ी है एज अ सिंबल, एक प्रतीक के रूप में। और वो प्रतीक किसका है? ऑफ लॉयल्टी, वफादारी का। रिमाइंडिंग पीपल, रिमाइंडिंग मतलब याद दिलाते हुए, ठीक है, रिमाइंड याद दिलाना, रिमाइंडिंग पीपल याद दिलाते हुए लोगों को, ऑफ द पावर ऑफ लव एंड डिवोशन, कि प्यार और समर्पण में क्या ताकत है। हाचिको की कहानी को कई बार दोहराया गया है, रीटोल्ड मतलब दोबारा से सुनाई गई है, वो भी कई बार, इंक्लूडिंग इन बुक्स, और कहानी को शामिल किया गया है किताबों में, मूवीज, कई फिल्में भी बनी है इसके ऊपर, एंड इवन स्कूल लेसन, और यहाँ तक कि स्कूल में जो सिलेबस होता है उनके चैप्टर्स में भी ये वाली कहानी शामिल की गई है। हिज प्रिजर्व्ड रिमेन्स, सो यहाँ पे हिज है हाचिको के, और प्रिजर्व मीन्स संभाल के रखे गए, संरक्षित किए गए, रिमेन्स होता है अवशेष। तो उनके जो भी संभाल कर रखे गए अवशेष हैं, दे आर केप्ट, वो रखे गए हैं एट द नेशनल साइंस म्यूजियम ऑफ जापान। सो नेशनल मीन्स राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय, जो कि जापान में है, वहां पे ये रखे गए हैं, आर केप्ट ये पैसिव में है, रखे गए हैं जापान के म्यूजियम में, संग्रहालय में। वाइल, जबकि हिज स्टैचू हैज बिकम अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन टोक्यो, जबकि जो उनकी प्रतिमा है, मूर्ति है, वो बन गई है एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय पर्यटक स्थल इन टोक्यो, और टोक्यो में जापान की कैपिटल में। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जबकि उनकी जो मूर्ति है वो टोक्यो में एक लोकप्रिय और प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण बन गई है, सब लोग उसको जब टोक्यो जाते हैं घूमने के लिए तो यहाँ जरूर जाते हैं विजिट करने के लिए, जहां पे उनकी मूर्ति गई है। टू दिस डे मीन्स आज तक भी, हाचिकोस अनडाइंग लॉयल्टी, सो हाचिको की अटूट निष्ठा, अनडाइंग मतलब जो कभी मर नहीं सकती, अटूट लॉयल्टी है निष्ठा, सो उनकी अटूट निष्ठा कंटिन्यूज टू टच हार्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। कंटिन्यूज मतलब कि अभी भी रहती है, क्या करने के लिए जारी रहती है, क्या करने के लिए, टू टच हार्ट्स मतलब दिलों को छूने के लिए, अराउंड द वर्ल्ड पूरे विश्व में। सो आज भी जो उनकी अटूट निष्ठा की कहानी है वो लोगों के दिलों पे राज करती है और लोगों के दिलों को छूती रहती है, क्योंकि जो हाचिको की कहानी है अपने मालिक के प्रति अटूट प्रेम की और वफादारी की, वो एक दिल को छू जाने वाली कहानी है। आई होप फ्रेंड्स आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी और काफी कुछ आपको सीखने के लिए भी मिला होगा।
अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।